नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करूंगा। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन मैप और पिक्चर के साथ होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है विकास। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। यह जगह बिहार में है, जो कि बिहार का जो शहर है गया, वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर में है। तो जैसे कि ये मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाया है, ये जो पीपल का जो वृक्ष दिख रहा है, बोला जाता है कि इसी पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लेकिन दोस्तों, जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह पेड़ बंगाल का एक शासक था, शशांक, गौड़ शासक था शशांक, उसके द्वारा कटवा दिया गया था। लेकिन बाद में उसी जगह पर एक पीपल का पेड़ लगा दिया जाता है और उसे माना गया कि वह क्या है, वही पेड़ है। यहाँ पर अमरनाथ के बारे में आपको बता रहा हूँ। अमरनाथ भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ पर बर्फ का एक लिंग बनता है जिसकी पूजा किया जाता है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और लुम्बिनी उनका जन्म स्थान था। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। हम बोल सकते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर यह भी आपको याद रखना होगा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। तो ये आपको याद रखना होगा। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा जो तत्व मिलता है वो है हाइड्रोजन। लगभग ब्रह्मांड में जो भी गैस है उसका 85 से 90% भाग हाइड्रोजन का है। बाकी अन्य गैस हैं जिसमें दूसरे स्थान पर है हीलियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब पृथ्वी का वायुमंडल में पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, जो कि 78% है। तो आपको ब्रह्मांड और पृथ्वी का वायुमंडल में डिफरेंस करना होगा, आपको ये ध्यान देना होगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। ये मैंने उसका पिक्चर लिया हूँ। ये जो अजंता एलोरा की जो गुफा है, ये बोला जाता है कि एक ही पत्थर से काट काट कर बनाया गया था। और ये जो गुफा है वहाँ राष्ट्रकूट वंश के समय में बना था, राष्ट्रकूट वंश के समय में बना था। मध्य प्रदेश में मिलती है बाघ की गुफाएं और सांची का स्तूप भी है मध्य प्रदेश में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर में मीठे पानी का झील है। इसी झील में है केबुल लाम जावो नेशनल पार्क, जिसे भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क बोला जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप को हम माइक्रोचिप के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग याद रखिए, कंप्यूटर चिप को माइक्रोचिप भी बोला जाता है। रॉयटर्स एक समाचार पत्र एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रॉयटर्स, ये मैंने उसका लोगो लगाया है, आप देख सकते हैं। रॉयटर्स यूके का है, समाचार एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है यूके के लंदन शहर में है, लंदन शहर में, यूके के लंदन शहर में इसका मुख्यालय है। यूएसए का आप एक पत्र का नाम याद रख सकते हैं, जैसे टाइम,
टाइम पत्रिका यूएसए का है। जैसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया जाता है, जैसे इस साल किसको मिला है। मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 12 जनवरी 2020। तो जो पिछले साल का जो 2019 का जो टाइम पर्सन ऑफ ईयर मिला है वो किसको मिला है टाइम पत्रिका के द्वारा, ये है ग्रेटा थनबर्ग। ये इन्वायरमेंट के ऊपर काम किए थे, ये स्वीडन की है। और जैसे भारत का तो पत्र आप जान रहे हैं, द हिंदू है सबसे फेमस, द हिंदू। यह मद्रास से रिलीज होता है, अभी मतलब चेन्नई से रिलीज होता है। ठीक है, एक पाकिस्तान का पत्रिका का नाम याद रख सकते हैं आप, पाकिस्तान, क्या है उसका नाम, उसका नाम है डॉन। निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है, एथेनॉल प्राप्त किया जाता है गन्ने से। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई का, ये मैंने उनका तस्वीर लगाया है। अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। होमी भाभा जो थे, ये इन्होंने भारत में एटॉमिक एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, बोला जाता है कि शुरू में इन्होंने ही काम किया। तो बार्क जो मुंबई में है वो इनके नाम पर भी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, हमारा आंसर रतौंधी हो जाएगा। बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। एनीमिया एक खून की कमी का रोग है, ये विटामिन के की कमी से होता है। ट्यूबरकुलोसिस यह जीवाणुओं के कारण होता है, जीवाणुओं से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, ये मैंने उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाया है। अभी वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है कोटा राजस्थान। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधु। इन्होंने 1970 का एशियन गेम जो कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई थी, जकार्ता, वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यह एक एथलीट थी। इंडोनेशिया की राजधानी अभी बदल गई है, अभी जकार्ता से ईस्ट कालीमंथन इंडोनेशिया की राजधानी ट्रांसफर हो गई है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमिड है, यह चंद्रमा से मतलब है उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ये नेचुरल उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरह से पूछा गया है कि गेनीमिड किसका उपग्रह है, तो गेनीमिड है जुपिटर का, बृहस्पति का उपग्रह है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो सौर मंडल है उसमें सबसे बड़ा उपग्रह है गेनीमिड। अभी जो थोड़े दिन पहले तक सबसे ज़्यादा जो उपग्रह था वो था बृहस्पति ग्रह का, लेकिन अभी हो गया है शनि का, शनि का 82 है और बृहस्पति का 79 उपग्रह है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रैंड एनिकेट, जिसका अभी नाम बदल कर दिया गया है कलानाई बांध। और इसका मैं ओवरव्यू यहाँ पर लिया हूँ, काफ़ी सुंदर है। यह है तमिलनाडु तिरुचुरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है और ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर बांध है आंध्र प्रदेश में, यह है कृष्णा नदी पर। इंदिरा सागर बांध है राजस्थान में, यह है चंबल नदी पर। और आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि अलमाटी बांध कहां पर है और किस नदी पर है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी, तो द्रविड़
मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना की थी सीएन अन्नादुरई ने। ये मैंने फोटो उनका लगाया है, भारत सरकार ने इनके ऊपर डाक टिकट जारी की थी। और इनका जो जीवन काल रहा था 1909 से 1969 तक। यह तमिलनाडु की पार्टी है, तमिलनाडु में अभी यह सत्ता में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो ये मैंने वर्ल्ड मैप लिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा रूस है और दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। तो हमारा आंसर कनाडा हो जाएगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें नंबर का देश है। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यह एक लिबर्टी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। फ्रांस ने इसे यूएसए को गिफ्ट किया था, तो पूरी तरह इसे फ्रांस ने बनवाया था, इसमें यूएसए का कोई खर्चा नहीं लगा था। मैं आईफिल टावर के बारे में बता दूं, आईफिल टावर का 80% जो पैसा लगाया गया था वो एक ही व्यक्ति ने दिया था जिसका नाम था आईफिल, और से बाकी का जो 20% था वो डोनेशन में मिला था। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले वाल्ट डिज्नी के नाम पुरुष रिकॉर्ड है। जैसे आपको यहाँ पर देख रहा होगा जो डिज्नी जो कंपनी है वो इन्हीं के नाम पर है, डिज्नी यही इनके क्या थे, फाउंडर थे। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। ये जैसे मैप में आपको दिख रहा होगा यह एक यूरोपियन कंट्री है और इसको नूमेडिक कंट्री भी बोला जाता है। ये जो बाल्टिक सी के आसपास जो भी कंट्री है वो सब नूमेडिक कंट्री है। मैं आपको बता दूं काफ़ी ये सब डेवलप कंट्री हैं और यहाँ पर जो एजुकेशन है वो क्या है, फ्री है, काफ़ी कम पैसा यहाँ पर एजुकेशन टोटली फ्री है आप बोल सकते हैं। जो भी रैंकिंग होती है प्रोग्रेस रैंकिंग जैसे UNDP या हैप्पीनेस रिपोर्ट सारे में नंबर वन होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोपेनहेगन। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम जो कुत्ता गया था, हालांकि ये क्या एक बीच थी, फीमेल डॉग थी, तो उसका नाम क्या था, लाई का नाम था। तो ये आप उसका पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह से उसको भेजा गया था अंतरिक्ष में। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। तो ये आप याद रखिएगा, ये डिवाइस जहाज में लगा होता है, वहाँ से एक रे छोड़ता है, इंफ्रारेड छोड़ता है, और सामने में जो भी वस्तु होती है उससे टकराकर वो वापस उसी डिवाइस में जाती है, जिससे पता चल जाता है कि वो जो वस्तु है कितनी दूरी पर है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज की थी जोनास सॉल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। मैरी क्यूरी ने खोज की थी मरकरी की। लुई पाश्चर ने खोज की थी रेबीज के टीके की, और पाश्चरीकरण का थ्योरी भी इन्होंने ही दिया था, पाश्चराइजेशन का थ्योरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेनिसिलिन का खोज किए थे। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। आगे आने वाले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख कर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।